बेवकूफ है तो फिर वॉचमैन की तरह खड़ा होकर कहता है कि नहीं नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूं लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति कहता है कि तू बेवकूफ है तो कॉन्शियस माइंड भी सोचने लगता है सभी लोग बोल रहे हैं कोई ना कोई पॉइंट तो होगा और वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर्स है और उसने जो चीज़ मान ली वो हकीकत बनने लगती है और आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया कि एक व्यक्ति को ज़ीरो टू एटीन ईयर्स के बीच में कितनी बार ना कहा जाता है कि तू नहीं कर सकता रहने दे तेरे बस की बात नहीं तो भाई सात ऑडियो टेप भर जाए उतनी बार उसको ना नो नहीं कर सकता कहा जाता है अब ये सर्वे अमेरिका में हुआ था ये सर्वे इंडिया में हुआ होता तो सात दिन तक टेप बचती रहती बचते रहती इतनी बार हमको ना कहा जाता है तो सोचिए हमारे यहाँ ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करने की कितनी ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे जागृत मन के जो वॉचमैन हैं उसको थोड़ा हम उसको और थोड़ा टाइट करेंगे उसको कड़क बनाएंगे कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम खुद को नेगेटिव कमांड देना बंद करेंगे कि भाई मैं तो बेवकूफी हूँ मेरे साथ ही ऐसा होता है मेरा तो नसीब ही खराब है क्या कर रहे हैं खुद का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि खराब है खराब है और ऊपर वाले को ना एक ही सेंटेंस आता है बोलना तथास्तु भगवान की फोटो देखी है हमेशा ऐसे रहते हैं यानी क्या कहते हैं तथास्तु और आपने किसी भगवान की फोटो देखी है ऐसे उनको नाम बोलना नहीं आता ना तो आप दिन भर कहते रहते मेरे साथ बुरा होता है मेरा नसीब खराब है मेरे साथ ये खराब है ये खराब है ऊपर बैठकर सिर्फ वो तथास्तु करने का काम करते हैं और वही जीवन में मिलते रहता है तो आज से क्या कहेंगे शब्दों को बदलेंगे विचारों को बदलेंगे मन में अगर नेगेटिव विचार आ जाए तो क्या करें तो करेंगे ये कि कहेंगे कैंसल कैंसल कैंसिल जब आप कैंसिल कैंसिल कहते हैं तो वो नेगेटिव विचार डिलीट हो जाता है और उसकी जगह पर आपको पॉजिटिव वाक्य बोलना है तो अगर आपको कोई कहे तो डरपोक है तो तुरंत कहना है कैंसल कैंसल कैंसिल और तुरंत कहना है आम कॉन्फिडेंट आम कॉन्फिडेंट आम कॉन्फिडेंट ये टेक्निक यूज़ करें आपको कॉन्फिडेंस तुरंत मिलेगा जैसे कि मेरे काफ़ी सेमिनार्स होते हैं थाउजेंड से बहुत सारी पब्लिक के सामने मुझे सेमिनार्स देने होते हैं मुझे भी कई बार डर लगता है तो मैं बस एक रूल बना लिया हूँ कि जैसे ही सेमिनार के लिए आने के लिए प्रिपेयर करती हूँ उसके पहले अपने हाथों की मुठ्ठी बांधती हूँ और हवा में पंच कर कर कहती हूँ येस यस यस आई कैन डू इट और जब ऐसा करती हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो पावर वो सबकॉन्शियस की कॉन्फिडेंस की पावर मुझे दे देता है तो ये टेक्निक हमें यूज़ करनी है लेकिन कब से यूज करेंगे पल से अभी से आज से अभी से तो अभी से करेंगे सभी लोग जो जीवन में परिवर्तन पाना चाहते हैं सफल होना चाहते हैं आज से अभी से यहीं से शुरुआत करेंगे सभी लोग मेरे साथ हाथों की मुट्ठी बांधेंगे हवा में पंच करके कहेंगे मेरे साथ कहेंगे यस 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 आई कैन डू इट यस यू कैन डू इट बहुत बढ़िया जोरदार तालियां आप लोगों के लिए